हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताएंगे और एकदम शॉर्टकट भाषा में आपको बताएंगे, जिससे कि आपको एक बार में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपका बोर्ड एग्जाम है, तब आप इस वीडियो को जरूर शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो इतना कन्फर्म है कि आपको 3 नंबर जो है कि मिल जाएगा। जीवन परिचय अगर आपसे पूछ लिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तब आप जो है कि 100% लिख करके आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो फ्रेंड देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको यही जन्म तिथि याद कर लेनी है। कोई भी जीवन परिचय, किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखना हो तो सबसे पहले आपको जन्म तिथि मालूम होना चाहिए, उसकी मृत्यु कब हुई थी यह मालूम होना चाहिए, और उसकी रचनाएं कौन कौन सी है यह मालूम होना चाहिए, और किस जिले के किस गांव में जो है कि उस कवि या लेखक का जन्म हुआ था, यह चीज अगर आपको मालूम है तो किसी भी लेखक या किसी भी कवि का आप जो है कि जीवन परिचय बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी के आधार पर हमने भी जो है कि यह जीवन परिचय लिखा है। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम चंद्रबली था। इनके पिताजी का नाम जो था वह चंद्रबली था, और इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। जब यह इंटरमीडिएट में आए तब जो है कि इनकी पढ़ाई छूट गई और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्व अध्याय से ही प्राप्त किया। तो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत जो है, यह घर पर ही रह करके जो है कि जितनी भी भाषाएं इन्होंने सीखा वह घर पर ही रह करके खुद पढ़ करके इन्होंने सीखा, तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया। तो फ्रेंड, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, यह जो है कि सबसे पहले जब लिखना चालू किए तो इन्होंने जो है कि कविता से अपना लेखन कार्य का शुभारंभ किया और नाटक लेखन की ओर इनकी रुचि रही। तो यह नाटक लेखन की ओर भी इनकी काफी ज्यादा रुचि थी। तो उसके बाद है कि शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, रस मीमांसा आदि है। तो इनकी प्रमुख रचना जो है चिंतामणि है और रस मीमांसा है। तो यह रस मीमांसा बहुत बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में, या आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। रस मीमांसा हर बार जो है कि एक नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, कि रस मीमांसा के लेखक कौन है, और चिंतामणि भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है या पूछा जाता है। तो रचना आप जरूर याद कर लीजिएगा, जितने भी लेखक है जो इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं आप जरूर याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है कि शुक्ल जी का निधन सन 1941 ईस्वी में हो गया। तो 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद है कि हिंदी निबंध को नया आयाम प्रदान करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के आलोचक, निबंधकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। तो जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, या जो है कि हिंदी साहित्य के आलोचक थे, निबंधकार थे और युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। तो फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है कि हिंदी साहित्य में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। अनेक ऐसी रचनाएं उन्होंने लिखी है जिससे जो है कि हिंदी का जो काव्य साहित्य है उसमें 4 चांद लग गए हैं। तो फ्रेंड्स, यह सब जो लाइनें हैं या आप लिख सकते हैं कोई भी कवि हो गया या कोई भी लेखक हो गया उसके जीवन परिचय में। तो फ्रेंड्स, यह था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। यह जीवन परिचय आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।